नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ हर कदम खबर की ओर। मैं हूं चंदन शेष आपके साथ। आज है 24 दिसंबर और वक्त हो चला है दिनभर की फटाफट खबरों का। चंद्रपुर शहर के 30% मकानों में हृदय रोग से बाधित रोगियों की संख्या होने का अनुमान एक सर्वेक्षण के दौरान निकाला गया है। शहर में फैले प्रदूषण के कारण नागरिकों के स्वास्थ्य पर गहरा असर देखा जा रहा है और यही वजह है कि 70% नागरिक चंद्रपुर शहर को छोड़कर अन्य जगह स्थानांतरित होने की फिराक में है। चंद्रपुर जिले के गोंडपिपरी पोंभुरना मार्ग पर चेक आस्था गांव के सड़क किनारे एक बकरी का शिकार करते हुए बाघ पाइपलाइन में फंसने का मामला आया सामने। बाघ के दहाड़ने की आवाज़ सुनकर नागरिकों के ध्यान में जब बात आई तो उन्होंने उसकी जानकारी वन विभाग को दी और वन विभाग द्वारा इस बाघ को पिंजरे में ले लिया गया। इस बाघ के हमले में अब तक 3 नागरिकों ने गंवाई जान और 15 से भी अधिक नागरिक हुए थे जख्मी। स्कूल तो शुरू हो गए किंतु ग्रामीण विभागों के छात्र व छात्राओं को करना पड़ रहा है कठिनाइयों का सामना। 5 से 6 किलोमीटर की दूरी तय कर छात्रा स्कूल जाते हैं और अब बस बंद होने के कारण इन छात्रों की बढ़ गई है मुश्किलें। निजी वाहन का सहारा लेकर कोई पहुंच रहा है स्कूल तो कोई पैदल, जिससे उन पर वन्य प्राणियों के हमले का खतरा भी मंडराता हुआ आ रहा है नजर। दो दोस्तों का आपसी विवाद लड़ाई झगड़े में बदलता हुआ हमने कई बार देखा है, लेकिन वनी शहर के 2 प्रतिष्ठित डॉक्टरों के बीच हुआ विवाद शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। पैसों के लेन देन से शुरू हुआ विवाद अंत में मारपीट में तब्दील हो गया और मामला सीधा पहुंच गया पुलिस थाने। चंद्रपुर शहर के फोकट नगर में 2 महापूर्व सेंधमारी करने वाले 2 आरोपियों को आखिरकार भद्रावती पुलिस ने धर दबोचा। दोनों आरोपी फोकट नगर के निवासी है। उन्होंने सेंधमारी कर एक मकान से सोने के गहने तथा नगद चोरी किए थे। ठाकरे बिल्डर्स चंद्रपुर के नामांकित बिल्डर्स आपको 2 और 3 बेडरूम फ्लैट तथा डुप्लेक्स रो हाउस प्रदान करते हैं। ठाकरे वाड़ी में ये ए विंग है, ये बी विंग है, ये सी डी और ई विंग है, ये क्लब हाउस है और ये 3 BHK डुप्लेक्स हाउसेस है। भव्य प्रवेश द्वार 24 घंटे सुरक्षा कर्मियों से तैनात रहता है। ये क्लब के आगे आलिशान लॉन में आपको शाम के समय व्यतीत करने में काफी मजा आएगा। क्लब के चारों ओर जॉगिंग ट्रैक है। ठाकरे बाड़ी में जो एक क्लब हाउस है उसमें आउटडोर के गेम्स के अलावा इंडोर गेम। ठाकरे बाड़ी में पार्किंग की काफी जगह मुहैया कराई गई है। यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए चिल्ड्रंस प्ले एरिया भी खास डिजाइन किया हुआ है। आइए और ठाकरे परिवार में शामिल हो जाइए। कृपया बुकिंग के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। सिरोंचा से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित असरअली गांव के समीप बोराय गुड्डम महामार्ग पर चौपहिया मालवाहक तथा ऑटो रिक्शा के बीच हुई जोरदार टक्कर, जिसमें मालवाहक चालक का पैर टूटने और ऑटो रिक्शा चालक गंभीर जख्मी होने की है जानकारी। जख्मियों को आंकीसा के सरकारी अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। ओमिक्रॉन का संक्रमण अब तेजी से फैलते हुए आ रहा है नजर। राज्य में कोरोना वायरस संक्रमित रोगियों की संख्या में भी तेजी से हो रही है बढ़ोतरी। क्रिसमस और नए वर्ष को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को दिए गए हैं निर्देश। कहा गया है कि स्थानीय स्तर पर ले निर्णय। ओमिक्रॉन का वायरस यह मूल वायरस से 318% तेजी से फैलने की दी गई है जानकारी। खान पान के पदार्थों को अखबार में लपेट कर देने से होगी कार्रवाई। हालांकि इसके पूर्व 2011 से ही इन नियमों के दिए गए थे निर्देश। अखबार में रासायनिक निर्मित स्याही का इस्तेमाल किया जाता है और इन रसायनों भरे अखबार में अन्य पदार्थों को लपेटने से नागरिकों के स्वास्थ्य पर गहरा असर देखा जा रहा है, जिसके चलते अब भी निर्णयों का कड़े रूप से पालन करने के दिए गए हैं निर्देश। जहां एक ओर चंद्रपुर शहर के जल शुद्धिकरण कुंभ में गंदगी होने की बात सामने आई, वहीं दूसरी ओर हिंगन घाट से जल शुद्धिकरण कुंभ में कीचड़ और गंदगी पाए जाने से पालिका प्रशासन पर प्रश्नचिन्ह निर्माण हो गया है। अभी तक जल कुंभ से गंदगी मिश्रित पानी को नागरिक तक पहुंचा जाने से उनके स्वास्थ्य पर असर होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। अगर आप बैंक से पैसे निकाल रहे हैं तो हो जाइए सावधान। नागपुर का एक व्यक्ति HDFC बैंक से पैसे निकालकर बैग में भरने के बाद उसे कंधे पर लटकाकर एक्टिवा से जाने निकला। कुछ ही दूरी पर पीछे से दोपहिया सवार 2 युवकों ने धक्का देकर उस व्यक्ति से बैग छीना, जिससे वह व्यक्ति एक्टिवा से गिर पड़ा, जिसमें उस व्यक्ति को गंभीर चोट आने की है जानकारी। तो ये थी आपकी पसंदीदा खबरें फटाफट, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए CTV न्यूज़ हर कदम खबर की ओर। नमस्कार।